Hi, this is Krita Legal Star, and you are with us at the platform of GST and Taxation. Guys, a new functionality is good got to have been enabled onto the portal by the department to recredit your ITC. Yes, your ITC can be recredited to your electronic credit ledger by issuing or implementing the form of PMT03. ये PMT03 का फॉर्म किस किस सिचुएशंस में लगने वाला है ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस सेशन में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंटली एक न्यू फंक्शनैलिटी एनेबल की गई है इनटू द फॉर्म ऑफ PMT03। दिस फंक्शनैलिटी हैज बीन डेवलप्ड टू रीक्रेडिट योर ITC इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन केस ऑफ रिफंड। अब ये बात तो तय है कि आपको रीक्रेडिट मिल सकता है इन केस ऑफ ITC। ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि व्हाट इज PMT03 इन GST। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये PMT03 का फॉर्म क्या है इन GST। सो PMT03 एक ऑर्डर है टू रीक्रेडिट योर कैश या ITC का अमाउंट, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड योर रिफंड इज बीइंग रिजेक्टेड। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द अमाउंट ऑन द रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम, मतलब कि आपने रिफंड के लिए ऑब्वियसली बात है अप्लाई किया था और रिफंड ऑर्डर जो है वो डिसक्वालीफाई हो गया है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, वो रिजेक्ट हो गया है बाई व्हाटएवर इट कैन बी अ रीजन। सो व्हाटएवर द रिफंड अमाउंट, जो भी रिफंड का अमाउंट होता है, जो भी रिफंड का अमाउंट रिजेक्टेड अमाउंट होता है एज पर रूल 92 ऑफ द CGST रूल, वो जो रिजेक्टेड अमाउंट होता है वो या तो पार्शियली या तो फुल अमाउंट आपका रीक्रेडिट हो जाता है इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय द ऑर्डर PMT03। इस बेसिक सी इंफॉर्मेशन को आपको समझ लेना चाहिए कि ये PMT03 का फॉर्म किस लिए यूज होता है। अब ये जो फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो गई है कि भाई PMT03 का फॉर्म अवेलेबल होगा टू रीक्रेडिट योर ITC, तो ये किन-किन सिचुएशंस पे अप्लाई होने वाला है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, ही एंटाइटल्ड फॉर रिफंड और दैट टू रिफंड के लिए मतलब अप्लाई किया है एंड दैट टू वो रॉन्गली पेड हो गया, आपने जो टैक्स का पेमेंट किया है वो गलत पे हो गया है या एक्सेस के फॉर्म में पेमेंट हो गया है, तो देन एंड इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड। ठीक है, ये अदर जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए द कैश पार्ट, जो कैश पार्ट होगा ना आपके रिफंड ऑर्डर का जो रिजेक्ट हो गया है, वो क्रेडिट हो जाएगा इनटू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड इट इज गुड गॉट टू हैव बीन रिजेक्टेड। ठीक है, तो वो जो फंक्शनैलिटी है वो रीक्रेडिट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ PMT03। ठीक है, ये रिफंड के लिए क्लेम क्यों किया जाता है, रीजन ये होता है कि हमने टैक्स का पेमेंट एक्सेस के फॉर्म में कर दिया है, कुछ गलत पेमेंट कर दिया है, नहीं करना चाहिए था, वो ज्यादा हो गया है, तो इस सिचुएशन में आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हो। अगर वो कैश का पार्ट पेमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट पे सीधा जाएगा थ्रू द फॉर्म RFD 05। सीधी सी बात, अगर वो ITC का पार्ट है तो वो ITC का अगर रिफंड क्लेम है तो वो रीक्रेडिट होता है इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जाता है इन द फॉर्म ऑफ PMT03। ये बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात क्या कही गई कि ये जो न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हुई है PMT03 के फॉर्म में, ये किन-किन पे अप्लाई होगी? दिस न्यू फंक्शनैलिटीज इज एप्लीकेबल फॉर द बिलो मेंशन रिफंड। अगर आपकी ऐसी रिफंड की सिचुएशन फॉल कर रही है ना, तो ये PMT03 का फॉर्म आपके लिए अप्लाई करने वाला है। नंबर वन इज रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। मान लीजिए आपने एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया है तो आप PMT03 के फॉर्म के थ्रू अपना पेमेंट रिफंड बैक कर सकते हैं, रिक्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज रिफंड ऑफ द टैक्स पेड। रिफंड ऑफ द टैक्स पेड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाईज, आपने मान लीजिए कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, ठीक है, विच इज सब्सिक्वेंटली हेडेड टू इंटर स्टेट सप्लाई। होनी क्या चाहिए थी और हो क्या गई है? होनी चाहिए थी इंटर स्टेट और मान लीजिए आपने इंट्रा कर दिया है, आपको कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट करनी थी बट आपने टैक्स पेमेंट किया, कैसे किया है, इंट्रा स्टेट के अकॉर्डिंग कर दिया, या वाइस वर्सा की सिचुएशन है, तब भी आप रिफंड को क्लेम कर सकते हो, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ PMT03। इज दिस क्लियर गाइस?
फर्दर कोई भी रिफंड आपने ऐसा क्लेम किया है जो कि एज पर द अकाउंट ऑफ असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट या अपील के थ्रू हुआ है या किसी ऑर्डर के कंसर्न में है, तो उस कंसर्न में भी आप PMT 03 के फॉर्म क्यों यूज कर सकते हो। यू कैन इम्प्लीमेंट दिस फॉर्म टू रिक्रेडिट योर ITC। ठीक, फर्दर रिफंड अकाउंट कैन बी एनी ऑफ द ग्राउंड, कुछ भी ग्राउंड हो सकता है जिसके लिए इस PMT 03 का फॉर्म, इस फंक्शनैलिटी को आप यूज करके अपने ITC को रिक्रेडिट कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जो आ रही है ऑन टू द पोर्टल कि भाई अगर आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है, आपने एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया है या एक्सेस टैक्स गया है, तो आप PMT 03 के थ्रू अपना क्रेडिट ले सकते हो, रिक्रेडिट करा सकते हो अपना ITC। सो स्टे कनेक्टेड गाइज फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द मैटर ऑफ GST। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉन्टैक्ट अस एट 7393977569 हमसे GST के कंसर्न में जुड़ने के लिए। हमारे फ्री ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, ई बुक को परचेज कर सकते हो। फॉर ऑल एडिशनल सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 7393977569। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।